हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी को कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स दुश्मन नागराज का तीसरा और अंतिम भाग। गलत, पाताल नगरी की आबादी बढ़ने वाली नहीं बल्कि घटने वाली है, क्योंकि जब पाताल नगरी ही नष्ट हो जाएगी तो इसकी आबादी तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये कौन है, यहाँ तक कैसे आ पहुंचा आ गया? आह, ये तो नागराज का साथी है। आश्चर्य तो ये है कि इस पर पाताल नगरी के जादू का असर नहीं हो रहा है। क्यों? हमारे राक्षसी वार भी इस पर व्यर्थ हो रहे हैं। हथियार से वार करो, ये बहुत फुर्तीला है, वार बचा रहा है। चाहे कितना फुर्तीला हो, लेकिन हमारा एक हाथ पड़ेगा तो सारी हड्डियां एक साथ टूट जाएंगी। सारी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नस दबाना काफी है किसी को बेहोश करने के लिए। आओ। ये दोनों तो गए, लेकिन अब इस नगरी में नागराज को कहां पर ढूंढूं? वो रहा, पकड़ो उसको, इस तरह मत जाने देना। उधर इसका साथी कह दे, बड़े मूर्ख हैं ये, मेरी मुश्किल को खुद ही हल कर दिया। अब उधर का रास्ता साफ करना है, और ये काम मेरे सिग्नल पे करेंगे, क्योंकि अंधेरी पाताल नगरी में रहने वाले राक्षस तेज रोशनी के आदि नहीं होंगे। रास्ता साफ हो गया, अब आगे का प्लान नागराज तक पहुँच कर बनाऊंगा। खबर विभत्सु तक भी जा पहुंची थी। गीदड़ों, उल्लुओं, एक मानव को नहीं संभाल पा रहे हो? थू है तुम्हारे राक्षस होने पर। ना जाने क्यों उस पर राक्षसी शक्ति के वार बेअसर सिद्ध हो रहे हैं, और वह हम पर मानवीय हथियारों के वार कर रहा है। अगर दैवीय हथियार होते तो शायद हम उनको काट सकते थे, लेकिन मानवीय हथियार कैसे काटे? उसके हथियारों को मैं बेकार कर दूंगा, फिर पता करते हैं उस पर राक्षसी शक्ति असर क्यों नहीं कर रही है। ध्रुव नागराज तक पहुंच गया था। वह रहा नागराज, अभी तक वह सही सलामत है, राक्षस नहीं बना, लेकिन उसको घेर कर कई राक्षस खड़े हैं। नर्व गैस कैप्सूल का प्रयोग करता हूँ। नागराज पर तो उसका असर होगा नहीं, लेकिन सारे राक्षस जरूर बेहोश हो जाएंगे। लेकिन नर्व कैप्सूल निकाल पाने से पहले ही, ओह, मेरी बेल्ट हवा में घुल रही है, ब्रेसलेट, शूरिंग्स तथा स्कर्ट्स भी गायब हो रहे हैं। उफ, स्टारलाइन भी गायब। आह, ये सारी चीजें अपने आप गायब नहीं हो रही हैं, बल्कि मैं इनको गायब कर रहा हूँ। हाँ राक्षसों, अब पकड़ लो इसको। बड़ा साहसी है तू, नागराज को आजाद कराने आया था, लेकिन नागराज के बंधनों को सिर्फ ये शंगी भाल ही तोड़ सकता है, कर सकता हूँ। तू इसको छोड़ेगा और मैं इसको पकड़ूंगा, और इसको तू हासिल नहीं कर सकता। कर सकता हूँ, तू इसको छोड़ेगा और मैं इसको पकड़ूंगा। ये नागराज इसको एक बार मेरे हाथ से गिरा चुका है, तब से मैंने उसको अपने हाथ से चिपका लिया है। इसको कोई राक्षसी शस्त्र काट नहीं सकता, और तेरे पास मानवीय शस्त्र है नहीं, इसलिए दृशिंगी बाल पर से ध्यान हटा और बता कि तुझ पर राक्षसी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा है। नदी के तल में तैर रहे उस मंत्र जल के कारण जो इस नगरी में भरा था और जिसमें राक्षसी शक्तियां सोखने के गुण हैं, मेरे शरीर के ऊपर देव ऊर्जा की एक परत चढ़ी हुई है, जिस पर वह उस पानी की परत चिपकी है, और वह परत राक्षसी ऊर्जा को सोख रही है। हाँ, और इसी जल कवच को पहनकर देवों की सेना भी अब पाताल नगरी में प्रवेश करने ही वाली है। ओह, बड़ा शैतानी दिमाग है इस मानव का, बांध दो इसको भी। ये और नागराज बंधक बनकर हमारी नगरी को बचाएंगे। उफ, अगर हम बंधक बन गए तो सचमुच पूरी देव सेना बेबस हो जाएगी। नागराज को आजाद कराना बहुत जरूरी है, पर एक बार आजाद हो गया तो पूरी राक्षस सेना से निपट लेगा। लेकिन नागराज को आजाद कैसे करूं? आह, किस्मत मेरे साथ है। अगले ही पल ध्रुव का कलाबा शरीर मछली की तरह राक्षसों की गिरफ्त से फिसल गया, और अरे अरे, मेरा शंगी भाल कट गया। कैसे? यहाँ पर ऐसा कौन सा हथियार आ गया जो इसको काट सके? ये हथियार मेरा वह ब्रेसलेट है जो पहले वाले नागराज के साथ पाताल नगरी में आ गया था। किस्मत से ये मुझे यहाँ पर पड़ा हुआ दिख गया। ओह, श्रृंगी भाल का नागराज से स्पर्श हो गया और नागराज आजाद हो गया है। रक्षराज, रक्षराज, नदी द्वार की तरफ से देवों की सेना अंदर आ रही है। ओह, हम देवों की मदद करेंगे ये लड़ाई जीतने में। नहीं नागराज, ये लड़ाई तो बहुत समय तक चलेगी। फिलहाल तो हमको महानगर पहुंचना है, जहां पर तुम्हारा दूसरा राक्षसी रूप कहर बरसा रहा है। ठीक है, बताओ तुम किधर से पाताल नगरी के अंदर आए थे? उधर से बाहर जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि वह जगह अब देवों और दैत्यों की लड़ाई का मैदान बन चुकी होगी। हमको उधर से जाना होगा जिधर से तुम नीचे गिरे थे। ठीक है, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। हम पाताल नगरी की दीवार पर चढ़कर पहले उस छेद तक पहुंचेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। ओह, सही समय पर निकल आए, वरना अब मेरा वह स्वयं सम्मोहन भी टूट रहा था जो राक्षसी शक्ति का प्रतिरोध कर रहा था। ओह, महानगर में फिर से बारिश हो रही है, जरूर विष अम्ल की बारिश ही होगी, यानी दूसरा नागराज संभल चुका है। विष अम्ल की वर्षा,
दूसरा नागराज अपने विष के बदले बादल बनाकर उसको महानगर पर बरसा रहा है। अब से हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आओ नागराज, हमें महानगर को बचाना है। कोई नहीं बचेगा, जो यहाँ पर रहेगा नहीं बचेगा। बचने की एक ही जगह है, पाताल नगरी। धरती भवन इस छेद में कूदते जाओ, वह रास्ता तुमको पाताल नगरी तक ले जाएगा और सुरक्षित रखेगा। पाताल नगरी तो अब असुरों तक के लिए सुरक्षित नहीं है, मानवों के लिए तो मैं महानगर को ही सुरक्षित कर दूंगा, तुमको अपने अंदर मिलाकर। ओ, तो तू मुझे रोकने आया है? लेकिन मैंने विष अमली की जो बारिश दोबारा शुरू की है, उसको रोकने की शक्ति तेरे पास है ही नहीं। मेरे सर्प एक सर्प आवरण का निर्माण कर देंगे, जो महानगर वासियों को बादल खत्म होने तक घातक वर्षा से बचाए रखेगा। और ऐसा करने में तेरे शरीर के सर्प भारी मात्रा में बाहर निकलेंगे और तू कमजोर होकर मेरे हाथों से पिटने लगेगा। ओह, मुझे सांप छोड़ना रोकना पड़ेगा। लेकिन फिर ये अम्ल विष की वर्षा कैसे रुकेगी? इसको मैं रोकूंगा नागराज। शीतना कुमार का फन खोला और अम्ल विष की तरल बूंदें ठोस बर्फ में बदलने लगी, और हवा के झोंके बर्फ के उन तैरते फाहों को समुद्र की तरफ उड़ा ले गए। अब महानगर सुरक्षित है, लेकिन तुम सुरक्षित नहीं हो राक्षसी नागराज। सोडांगी के सामने बढ़ चढ़कर मत बोल शीतना कुमार, पिरामिडों की रहस्यमय शक्तियां मेरे साथ हैं, जो तेरी शीत शक्तियों का मुकाबला करेंगी। शीतना कुमार का फन जब सुलगता है, जब खुलता है, तो किसी विवार को सोख सकता है। यही मैं चाहती हूँ, सोख मेरी पिरामिड तरंगों को, और मुझे और सुई चुभे गुब्बारे की तरफ फट जा। सोडांगी और शीतना कुमार के टकराव के साथ साथ दोनों नागराजों का युद्ध और भयंकर हो गया था। तुझे मारकर तेरी सारी शक्तियां मैं हासिल कर लूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी खोई शक्तियां ही नहीं, बल्कि अपना खोया वह आधा शरीर भी चाहिए जो फिलहाल तुम्हारे पास है। नागराजों का युद्ध तेज होता जा रहा था, और साथ ही साथ देव और दैत्यों का युद्ध एक परिणाम पर पहुंचने जा रहा था। ध्रुव ने हमको गजब का तरीका बताया धनंजय, राक्षसी शक्तियां मंत्र जल के कवच के कारण हम पर असर नहीं कर रही हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी राक्षस की जान न जाए, क्योंकि ये वास्तव में वे मानव है जो पाताल नगरी के कारण राक्षस बन गए हैं। हम इनको फिर से मानव बना देंगे, इनको सिर्फ बंदी बनाओ। ओह, देवों के अप्रत्याशित हमले ने हमको पूरी तरह से मात दे दी है, लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऐसा मोहरा है जो पूरी देव सेना को नष्ट कर सकता है। नागराज, मुझे उसको महानगर से वापस लेकर आना होगा, जल्दी से जल्दी। बेवस्तु कहीं नजर नहीं आ रहा है? जाएगा कहाँ, यहीं कहीं छुपा होगा। कायर, देर सवेर मिल ही जाएगा, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं। बेवस्तु यहाँ पर आ रहा था, जहाँ दोनों नागराजों का युद्ध महानगर पर कहर बरसा रहा था। कहीं तुमने नागराज को यहाँ पर लाकर भूल तो नहीं किया ध्रुव? अगर राक्षसी नागराज जीत गया तो फिर यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी। नागराज को मदद चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज हो जो राक्षसी ऊर्जा से लड़ सके? यस, एक चीज तो है। कहाँ जा रहे हो ध्रुव, क्या याद आ गया तुमको? जल्दी ही। हाँ, धनंजय का पाश अब तक यहीं पड़ा है, लेकिन इसको नागों के पहरे से निकालूं कैसे? स्टार ब्लेड्स को तो ये फुर्ती से मुंह में ले पकड़ ले रहे हैं। इनसे तो इनके जैसे सांप ही लड़ सकते हैं, पर वे आएंगे कहाँ से? याद आ गया, महानगर में तो नागराज के जासूस चार चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं। नागराज उनसे मानसिक संकेत द्वारा संपर्क करता है। मुझे भी कुछ ऐसी ही कोशिश करनी होगी। हे भगवान, मेरी कोशिशों को सफल करना। ध्रुव की प्रार्थना और प्रयासों का जवाब जल्दी ही आ गया, जासूस सर्पों के रूप में। ओह, सर्प सेना आ गई और बुलाने का कारण भी समझ गई है। ये दूसरे नागराज के राक्षसी सर्पों को खदेड़ रहे हैं। अब मुझे नागराज की मदद करनी होगी। स्वर्ण पास से राक्षसी नागराज को गुलाम बनाकर उसको काबू में करना होगा। लेकिन अब काम इतना आसान नहीं रह गया था, क्योंकि राक्षसी शक्तियां दुगनी हो गई थी। हा, मैं आ गया हूँ, अब दबोच ले इस नागराज को और एक हो जा, फिर हमको देव सेना को परास्त करने चलना है। ओह, अब मेरी आदि शक्ति तो बेबुस्सू की राक्षसी ऊर्जा से लड़ने में जा रही है, और ये नागराज मुझ पर भारी पड़ता जा रहा है। हम दोनों के शरीर एक हो रहे हैं और राक्षसी शक्तियां मुझ पर हावी हो रही हैं। तभी बस, अब असुरी शक्तियां भी सर्व पास की गुलाम है, ये तुम पर हावी नहीं हो पाएंगी नागराज। अब तुम राक्षसी नागराज को अपने अंदर खींचने का प्रयत्न करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। असुर पाश राक्षसी नागराज को अलग खींच लेगा। ओह, इसकी शक्ति मुझसे कई गुना ज्यादा है, ये दोनों नागराजों को अलग अलग करने में सफल हो जाएगा। आह, ऐसा नहीं होगा ध्रुव, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं। धनंजय, तुम आ गए? हाँ ध्रुव, मैं तो पाताल नगरी को नष्ट करने के बाद अपना पाश लेने यहाँ आया था। किस्मत से विभत्सु भी यही मिल गया। अब नागराज बचेगा और विभत्सु नष्ट होगा।
हमारा प्रयास दोनों नागराजों को एक करना है और उसमें हम विफल रहे हैं। ऐसे तो दोनों नागराज अलग अलग ही रहेंगे। फिर क्या करें ध्रुव, स्वर्णपाश को ढीला छोड़ दो जल्दी। स्वर्णपाश को ढीला छोड़ते ही सारा खिंचाव एक ही दिशा में केंद्रित हो गया और जोरदार आवाज झटके से नागराज के दोनों शरीर एक हो गए। विवस्सु खुद स्वर्णपाश की कैद में था। नागराज को राक्षसी शक्ति से आजाद करो विवस्सु। उसकी आवश्यकता नहीं है धनंजय, राक्षसी शक्ति वाला नागराज मेरे अंदर समा चुका है। अब सम्मोहन द्वारा सम को दिया गया मेरा आदेश उन शक्तियों को काबू में रखेगा, तब तक जब तक वे खुद पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती। और विवस्सु को हम काबू में रखेंगे। इसके भाई राक्षस चंडकाल के साथ साथ समाप्त। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की अगली कॉमिक्स शक्तिहीन नागराज में। तब तक के लिए धन्यवाद।